नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं गुलशन ढाबा, जिसके ये जो आप पराठे देख रहे हैं आप, बटर वाले, वाइट बटर वाले, मक्खन वाले बड़े मशहूर हैं। आइए आपको इसके बारे में और बताते हैं थोड़ी देर में, लीजिए। सो दोस्तों, गुलशन ढाबा में आपका स्वागत है। मेरे साथ यानी कि टेस्टी न्यूज़ के साथ आप जा रहे हैं गुलशन ढाबा में। हम आपको पूरी अपनी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे बनेगा हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी, क्या चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, क्या इनको बदलाव की ज़रूरत है और क्या इनके में बहुत बेस्ट है। अभी आप देख रहे हैं सिटिंग्स, ये एक आउटसाइड सिटिंग है जब जहाँ आप बाहर बैठकर खा सकते हैं। गर्मियों के समय में यहाँ पर पंखा लगा हुआ है। हम क्रिसमस के दौरान यहाँ पर गए थे तो काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। अंदर की सिटिंग भी अवेलेबल है और बाहर की सिटिंग भी अवेलेबल है, आप दोनों जगहों पे बहुत आराम से बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों शोर रहता है क्योंकि काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, लोग बातें कर रहे होते हैं तो शोर आपको काफ़ी मिलेगा। बाहर थोड़ा सा कंपैरिजन में कम हो सकता है लेकिन अंदर शोर हो जाता है अगर लोग ज़्यादा हो तो। सबसे पहले जो इनका प्रोडक्ट है गुलशन ढाबा को ही मैंने सुना था अपने घर वालों से, जब वो जाते थे किसी कहीं शिमला के हाईवे पे या कहीं पे भी जाते थे, अम्बाला जाते थे, तो वो कहते थे कि गुलशन ढाबा ही है भाइयों जो सबसे पहले था यहाँ पर और सबसे बढ़िया था। तो हमने कहा कि ज़रूर इसको चखना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इनका प्रोडक्ट जो है वो है आलू प्याज का पराठा। दोस्तों कई तरह के पराठे निकल आए लेकिन इसका कोई निचोड़ नहीं निकला। आलू पराठा, आलू प्याज का पराठा या आलू का पराठा अभी भी बेस्ट है, बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि गुजारिश करनी पड़ती है कि थोड़ा सा अच्छा भरा हुआ बनाएं, हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन मज़ा तब तक नहीं आता जब तक वो अच्छी तरह से भरा हुआ ना हो। हम पंजाबी हैं, पंजाबियों को इस तरह का खाना बहुत पसंद है। सेकंड पंजाबी की डिश आ गई आपकी छोले भटूरे। छोले भटूरे हमसे जुदा ही नहीं हो सकते किसी भी बात पर। बढ़िया थे दोस्तों छोले भटूरे भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपैरिजन दे रहे थे कहीं किसी चीज़ को, लेकिन स्टिल ये मिर्ची का अचार जो था ये बहुत बढ़िया था दोस्तों। ये इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं थी और स्वाद पूरा दे रही थी छोले भटूरे के साथ मिक्स करने के अंदर, आलू के साथ जोड़ते हुए छोलों को। छोले काफ़ी अच्छे थे, छोलों की क्वांटिटी अगर मैं कहूँ तो थोड़ी कम थी। आप देख सकते हैं भटूरे कितने बड़े हैं लेकिन छोलों की क्वांटिटी अगर देखी जाए तो वो थोड़ी सी कम थी। दोस्तों ये मैंने कोशिश करी आपको देने की स्वाद, लेकिन देख दोस्तों कंपैरिजन नहीं कर सकते इन छोले भटूरों को। उस जगह पर आपको छोले भटूरे भी मिल रहे हैं और आप खा सकते हैं, ये वाली बात है सर। बहुत ही स्वाद थे, मैं इसको इस तरह से नहीं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों साथ में एक हलवा भी आता है, हलवे का जायका मैं आपको देना चाहूँगा। छोले भटूरों से ज़्यादा अच्छा दोछा वो हलवा था। दोस्तों ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमने ट्राई नहीं करी क्योंकि आलू प्याज का पराठा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर और चाय इम्पॉर्टेंट है। चाय का जायका मैं देना चाहूँगा, चाय थोड़ी सी हल्की थी कंपैरिजन, अब बहुत अच्छी अच्छी चाय होने लग गई हैं तो चाय जो थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो स्ट्रांग होती तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लगता, शायद उनको कहना पड़ता कि आप स्ट्रांग करें। दोस्तों ये बाहर की जगहें हैं, वहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, हालांकि प्राइस से थोड़ी ज़्यादा ही मिलती हैं। कंपैरिजन में डिस्काउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम है लेकिन स्टिल अगर बच्चे ज़िद कर दें तो आपको ये चीज़ देनी ही पड़ेगी, इसी वजह से ये दुकानें भी यहाँ पर बनाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।